हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेवोनॉइड के बारे में। इसके अदर जो प्रॉपर्टीज होते हैं मीन्स फ्लेवोनॉइड्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेवोनॉइड। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, मींस ये जो फ्लेवोनॉइड है, तो इससे पहले के वीडियोस में इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड में हमने आपको बताया था, ये जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और मेनली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, अदर जो है प्लांट्स में ये फ्लेवोनॉइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये फ्लेवोनॉइड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी में, ये क्या अफेक्ट शो करता है, क्या इसकी एक्टिविटी होती है, क्या इस फ्लेवोनॉइड्स का क्या बेनिफिट है हमारे बॉडी में, तो इसको आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है वो है वेनम एक्टिविटी। वेनम एक्टिविटी हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी, मीन्स कैपिलरी की परमिएबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कौन से कंडीशन में इस फ्लेवोनॉइड बेनिफिशियल होता है, तो जब कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी कब इंक्रीज हो जाती है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी मतलब होता है ये जो कैपिलरी हो गया, तो कैपिलरी के जो वॉल्स होते हैं, तो ये वॉल्स के कैपिलरी के वॉल के थ्रू जो है जो सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होते हैं, तो उनकी जो एबिलिटी होती है उसी को हम कैपिलरी की परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी की परमिएबिलिटी कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होता है, जैसे कि बर्न हो गया, ट्रॉमा हो गया, या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसको इस कंडीशन में ये जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये फ्लेवोनॉइड्स जो हमको डिफरेंट फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जैसे कि रिसोर्स होते हैं डिफरेंट फ्लेवोनॉइड्स के, जैसे कि ग्रीन टी हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं फ्लेवोनॉइड्स के। तो ये क्या करते हैं, ये कैपिलरी की जो परमिबिलिटी है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और बहुत से ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर जो डिसीज हो गया, या किसी अदर जो कंडीशंस में क्या होते हैं, जो कैपिलरी की जो फ्रेजिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फ्रेजिलिटी मतलब कि ये जो कैपिलरी है इसलिए जो है डैमेज हो जाते हैं, तो ये जो कैपिलरी की जो फ्रेजिलिटी है उसको भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, और क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी कारण से हमने यहाँ पे लिखा है ये जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो वेसो प्रोटेक्टिव होते हैं, मीन्स ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डैमेज होने से। और इसी कारण से, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से फ्लेवोनॉइड्स को विटामिन पी भी कहा जाता है, और उसको ऐसा पी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है ये फ्लेवोनॉइड्स। तो इसी कारण से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस फ्लेवोनॉइड्स को डिफरेंट जो कैपिलरी और वेनस डिसऑर्डर हो गया उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और ये जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वन ऑफ द कॉमन इंग्रेडिएंट्स, डिफरेंट जो प्रोटेक्टिव एजेंट्स आते हैं, वेस्कुलर प्रोटेक्टिव एजेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, तो फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लेवोनॉइड्स का, वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मीन्स फ्लेवोनॉइड जो है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो फ्लेवोनॉइड्स, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स कहाँ से जनरेट होते हैं, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स मतलब कि ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, सेल को, सेल मेम्ब्रेन से रिएक्ट करते हैं और सेल को डैमेज करते हैं। तो अगर ये फ्री रेडिकल्स का जो अमाउंट है अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं जैसे कि स्मोकिंग हो गया, या अल्कोहल है, एक्सेसिव अल्कोहल है, या अदर कोई जो है डिसीज हो गया, या अदर कोई कंडीशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, या कोई ऐसे डाइट अगर हम ले रहे हैं प्रॉपर डाइट, तो उसमें क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होता है हमारे बॉडी में। तो क्या होता है, तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसके सेल्स हैं, सेल को क्या करते हैं, सेल से बाइंड होते हैं, सेल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसी कारण से ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स को वो क्या करते हैं, स्कैवेंज कर लेते हैं, इस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं सेल्स को डैमेज ना करें। डिफरेंट टाइप्स के फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि सुपर ऑक्साइड आयन हो गया,
या हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो गया, या परोक्सिल रेडिकल हो गया, या नाइट्रोक्सिल रेडिकल हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को ये फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, फ्लेवोनॉइड्स स्कैवेंज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और इनके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उससे हमको प्रिवेंट करते हैं, ताकि डिफरेंट टाइप्स के डिसीज कंडीशन जनरेट ना हो इन फ्री रेडिकल से। और भी अदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ई, इनकी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, साथ ही फ्लेवोनॉइड्स की भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। उसके कारण से बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिसके अंदर ये फ्लेवोनॉइड्स रिच सोर्स होता है, तो वो क्या होती है, उनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा है, इन फ्लेवोनॉइड्स की और भी बहुत से एक्टिविटीज जो है, प्रॉपर्टीज जो है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज रिपोर्टेड है, जैसे कि बहुत से ऐसे प्लांट्स में जो फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी भी होती है, एलर्जी से प्रिवेंट करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हिपेटोप्रोटेक्टिव भी होते हैं, मीन्स लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, और हिपेटो एंटी हिपेटोटॉक्सिक होते हैं, मीन्स हेपेटिक या लीवर डैमेज हो जाए किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से तो उसको क्या करते हैं, उससे भी लीवर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। डायरेटिक प्रॉपर्टी होती है बहुत से ऐसे फ्लेवोनॉइड्स के, बहुत से प्लांट्स में फ्लेवोनॉइड्स जो पाए जाते हैं उसकी एंटी स्पास्मोडिक, एंटी वायरल, एंटी फंगल, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। मीन्स बहुत से प्लांट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवोनॉइड्स जो पाए जाते हैं, हमने आपको बताया था कितने कितने टाइप्स के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं क्लासिफिकेशंस में, उसमें हमने एग्जांपल्स भी बताए थे। तो इन डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवोनॉइड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है, सम ऑफ देम इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर और हैविंग एंटी कैंसरस एक्टिविटी। मीन्स कुछ ऐसे भी फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि बहुत से प्लांट्स में रिपोर्टेड हैं, उनकी जो है एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी होती है, मीन्स कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, ट्यूमर के ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज हैं, तो उनमें ये देखा गया है, ये रिपोर्टेड है कि बहुत से ऐसे हर्बल रेमेडीज जिसको स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए या कुछ ऐसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जिसको यूज किया जाता है, तो उन हर्बल रेमेडीज में ये रिपोर्टेड है कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट में वो क्या होते हैं, वो रिच होते हैं इन द फ्लेवोनॉइड्स। इसके अलावा ये भी रिपोर्टेड है कि बहुत से ऐसे प्लांट्स में जो फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करते हैं करके रखते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। और आज के जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी इंडियन पर्सपेक्टिव की बुक के मंगाथियारू से। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। थैंक यू।